देखिए आया मैं ऑलराउंडर, ठीक है, और मैं नॉर्मल ऑर्केस्ट्रा लड़की लोग की तरह। बुरा ना लगे, आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं? ना, बॉयफ्रेंड नहीं है। एक ऑर्केस्ट्रा डांसर का होना, वो भी इस लाइन में, अगर बॉयफ्रेंड ना हो। आप जो बार बार जो घुमा के की बात कह रहे हैं ना, जो एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की हो असली डांसर की, अगर कहा जाता तो 4,000-5,000 रुपए में करती है, तो आप कितना में करती? मेरा जो पेमेंट है 15,000 है। 15,000 रुपए है जी। तो आपकी जैसे बहुत सारी लड़कियां जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, तो वो फेमस होने के लिए किसी पावर स्टार का सहारा लेती हैं, कोई टैटू बनवा लेता है, तो कोई ये भी कह देता है कि हम पवन सिंह खेसारी लाल यादव से शादी ही कर लेंगे, तो इसमें क्या कहना चाहिए? उनका बच्चा कमाई बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं गुड़िया हलचल सभी को प्रणाम करती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप कोलकाता की बेसिकली रहने वाली हैं, तो कोलकाता से चलकर बिहार में आके और ऑर्केस्ट्रा डांसर बनना, ये कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं कोलकाता में भी छोटा मोटा स्टेज शो करती रहती थी, तो कोलकाता में जैसे कि 1 से 1.5 घंटे का शो होता है, तो उसमें पेमेंट कैसे मिलता है? 700-800-1,000 ऐसे वगैरह, मतलब पेमेंट मिलता है। और आप जान ही सकते हैं, जो अभी नया जनरेशन है, और कम से कम एक आदमी का घर परिवार चलाने में, वो भी कोलकाता जैसा शहर में, बहुत ही ज़्यादा टफ है। और जो मेरा पापा जी है, वो भी गुजर चुके हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ही मेरा परिवार को चलाती हूँ। तो जैसे कोलकाता में भी स्टेज शो करती थी, कोई जान पहचान की थी मेरी, एक दोस्त, तो उसने बोला आसाम सोल में 15 दिन का शो है, तुम करने जाओगे? हम बोले घर से बैठने से अच्छा ठीक है चलो। तो उसने असम सोल का नाम बोल के मुझे सिवान जिला पर लेके आया, तो फिर भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जब आई, काम करने लगी, जब मुझे मतलब पैसा भी यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा मिलने लगा था, तो उससे मतलब घर परिवार भी ठीक से चल रहा था, अपने शौक बम मतलब शौक भी मिट रहा था, तो हमको अच्छा लग रहा था। तो जब अगली बार आए तो अपने मतलब मर्जी से आए थे। जब अपनी आपसे मर्जी से आई थी? जी जी। अच्छी बात बताइए, ऑर्केस्ट्रा डांसर, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा डांसर और कुछ गंदी निगाहों से भी देखते जी, तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्यों ना देखे, क्योंकि कुछ टुच्ची हरकत की लड़की लोग रहती है, जिनके वजह से नॉर्मल जो भी लड़की लोग रहती है, उन लोग को मतलब बेसिकली सुनना पड़ता है। लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसी गंदी हरकतें कर देती हैं, जिससे आपको भी शर्मसार होना पड़ता है। देखिए, कई कई जगह यूट्यूब खोलिएगा ना, तो देखिएगा, मतलब चंद पैसों के लिए कुछ लड़की लोग मुंह में पैसा ले लेती हैं, तो उन लोग को क्या बोला जाता है? ये तो जाहिर सी बात है कि ऑर्केस्ट्रा डांसर का मतलब ही आजकल लोग कह देते हैं कि मुंह में पैसा लेती है, या और भी बहुत कुछ है। हाँ। जैसे कि और भी बहुत कुछ कहते हैं लोग, तो इन्हीं लोग का मतलब इन्हीं जैसी लड़की लोग के वजह से जो नॉर्मल लड़की लोग भी रहते हैं ना, वो भी मतलब बदनाम रहती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं ऑर्केस्ट्रा? ऑब्वियसली हम मानते हैं, बेसिकली क्यों ना माने, क्योंकि आंख के सामने जो देखा हुआ चीज़ है उसको झुटला नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जैसे बहुत सारी लड़कियां जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, तो वो फेमस होने के लिए किसी पावर स्टार का सहारा लेती हैं, कोई टैटू बनवा लेता है, तो कोई ये भी कह देता है कि हम पवन सिंह खेसारी लाल यादव से शादी ही कर लेंगे, तो इसमें क्या कहना चाहिए? कमाई बन जाएंगे। हाँ, ये क्या कह मतलब ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, कॉमेंट आते हैं कि मैं पवन सिंह के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, मैं उनके से शादी करना चाहती हूँ, या खेसारी लाल यादव जो भी स्टार है, हम कहना नहीं चाहेंगे। जैसे कि देखिए, माइकल जैक्सन हो गए, जो हम लोग का कंट्री का नहीं भी है, लेकिन वो इतना मतलब बड़ा लेवल का एक डांसर है, जो उनका टैटू मतलब हर डांसर के हाथ में दिखेगा, जो अच्छा डांसर रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि पवन सिंह जी हो गए, तो खेसारी जी भी हो गए, ये लोग अच्छे एक्टर्स में माने जाएंगे, डांसर में नहीं माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अपना कला पे भरोसा नहीं रखता, अपना डांसिंग पे भरोसा नहीं रखता, कोई जैसे बोलता है मैंने ट्रेनिंग लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। जब तुमने ट्रेनिंग लिया है, तुम्हारे पास डांस का सर्टिफिकेट है, तो तुमको क्या ज़रूरी है किसी और का टैटू अपना हाथ में छपवा लेना, चाहे किसी का बच्चे का माँ बनने के लिए तुम एकदम उतावला हो ही जा रही हो। जब तुम्हारा कला के ऊपर तुम्हारा भरोसा खुद है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तुम ठीक चली जाओगी। और रहा बात मेहनत का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करूँगी, जो मेरा फेवरेट है वो मुझे एक दिन ज़रूर मुझे देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेमस होने के लिए लड़कियाँ कई हद तक गुजर जाती हैं, जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनना, और अश्लील गानों पे भी वीडियोस उनके बनते हैं, तो आप अश्लील गानों पे क्या कहना चाहेंगी? अश्लील गाना का अगर बात अगर उठा है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ऑर्केस्टर में जो लड़की लोग तब लेडीज लोग रहती है, मुझे नहीं लगता जो उन लोग का गलती है जो अश्लील गाना पे वो लोग डांस करती है, क्योंकि जो सिंगर रहते हैं वो अगर अश्लील गाना गा के मतलब रिलीज ना करे, तो कहीं ना कहीं वो तो रिलीज ना करे, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप उन गानों पे डांस करते हैं। अच्छा, डांस तो ठीक है, करती हैं। देखिए, सुनिए, आपका इस बात का भी हम जवाब दे रहे हैं। जैसे कि कोई आपको 50-60,000 रुपया दे के साटा मतलब बुक करके बुला रहे हैं अपना घर पे मनोरंजन करवाने के लिए, अगर वो मतलब अपने मनपसंद का कोई गाना अश्लील गाना बजा रहे, उसमें अगर आप नखड़ा दिखाने लगे मुझे इस गाना पे नहीं नाचना है, तो वो लोग तो चट मुँह मतलब पट बोल देते हैं, जो यहाँ पे तारा के पैसा नु देले बनी फ्री में थोड़ी आइल बड़ू, मुँह पे बोल देता नहीं नाचोगी तुमको नाचना पड़ेगा, नहीं तो तुमको रात में पैसा नहीं देंगे, साउंड रोक देंगे। बहुत ऐसी अत्याचारे होते हैं जिसके वजह से कुछ लड़की लोग जो है मजबूरी में मतलब कर देती है, और कुछ जो रहती है अपने से गाना लगा देती है। अच्छा, हम पूछना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की अगर कहा जाता तो 4,000-5,000 रुपये में करती हैं, तो आप कितना में करती हैं?
मेरा जो पेमेंट है 15,000 है। 15,000 रुपए है जी। तो इतना हाई रेट, वो भी ऑर्केस्ट्रा डांसर जहाँ की 4,000-5,000 में मिलती है, तो 15,000 कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए आया मैं ऑलराउंडर, ठीक है, और मैं नॉर्मल ऑर्केस्ट्रा लड़की लोग की तरह मैं नहीं हूँ। जैसे कि मैंने एक अलग सा मेरा लेवल बना है, ऐसे ही नहीं, मैं खाली ऑर्केस्ट्रा में डांस भी नहीं करती हूँ, मेरा एल्बम लाइन से भी सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं एल्बम भी करती हूँ, एक्टर्स भी हो, ठीक है, और 5 तरीके का डांस भी मुझे आता है, 5 तरीके का डांस का कोर्स भी मैंने लिया है, तो उन लोग से मैं थोड़ा सा अलग हूँ। और जहाँ पर माना जाए, एक स्टेज में अगर 10 लड़कियाँ होंगी तो 9 के 9 बैठी रहती है, बाकी सबको एंट्री मैं खुद करती रहती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर आप इतने अच्छे शहर से आई हैं, कोलकाता से आप होके आई हैं, तो वहाँ पे जो सम्मान दिया जाता है, जो वहाँ पे इज्जत दिया जाता है, आप जैसे डांसर को, आप जैसे कलाकारों को, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में वो इज्जत आपको मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? देखिए सबसे पहला बात, वहाँ पे जो हम लोग का ना कला को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे हम अगर किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वहाँ पे मान के चलिए 100 पब्लिकें हैं, ठीक है, 100 में से 20 को अच्छा नहीं लगा लेकिन 80 को तो अच्छा लगा ना, वो लोग तो लाइक करते हैं, प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। यही थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके आज मैं इस मुकाम में हूं। अच्छा बताइए, आपको तो सक्सेस होना है, कहीं आप सक्सेस होने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार 10 साल घसीटने से क्या मतलब है? आप एक टैटू बनवाओ या किसी सुपरस्टार के बारे में ऐसा कुछ बोल दो, या कोई भी ऐसा शॉर्टकट अपनाओ और आगे बढ़ जाओ। जानते हैं ना, जो जितना जल्दी उड़ता है वो उतना ही जल्दी जमीन में गिरता है, और सबसे पहले बात घमंड इंसान को ले डूबता है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर जो सुपरस्टार आजकल बन जा रहा है, अगर हम बात करते हैं, कहना नहीं चाहिए किसी को, बस अगर अगर हम रानू मंडल की बात ले, जितना जल्दी फेमस होती है उतना ही जल्दी नीचे भी आती है। सौम्या पोखरल को भी देख लीजिए, जैसे टैटू बना के जितना जल्दी मतलब वायरल हुई थी खेसारी जी का, लोग थोड़े जानने मानने लगे थे, खेसारी जी ने एक हर्दी वाला गाना पे उनको काम भी दे दिया है, लेकिन अभी बेचारी को देखिए ना कोई काम मिल रहा है, एक तरफ से पवन सिंह का प्लेट चाट रही है तो एक तरफ से किसी का और का प्लेट चाट रही है, तो भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप खुलेआम उनका नाम ले रही हैं, मतलब डर और नहीं लगता कि आप किसी को ऑन कैमरा खुलेआम कहती हैं कि तुम पवन सिंह का चाट रही हो या खेसारी जी का? देखिए जो हकीकत है वो हकीकत है, सबसे पहले बात डर किस चीज़ बात का, जो तुम हो तो हो। देखिए जैसे कि आपने बोला, जो अब 10 साल घसीटेंगे क्यों, अब भी किसी का टैटू बना के मतलब वायरल हो जाइए, तो अगर मेरे अंदर कला का दम नहीं होता, चाहे मैं एक डांसर नहीं होती, मुझे कुछ नहीं आता, तब मैं सोचती जो ना किसी का टैटू बनवा ले और एक दो मीडिया को बुला के तो इंटरव्यू दिलवा दे, उसके बाद अपने से मैं वायरल हो जाऊंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई सुपरस्टार या कोई पावर स्टार अगर आपको मौका देते कि आप हमारे फिल्म में आओ, लेकिन उसकी अगर एक शर्त रहे कि आपको अश्लील गानों पर भी डांस करना पड़ेगा, तो क्या आप अश्लील गानों का विरोध करेंगी या उसके सपोर्ट में आप ऊपर जाने के लिए उसको शूट करेंगी? देखिए मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और अश्लील मुक्त गाना का गुड़िया हलचल फिल्म ऑर्केस्ट्रा डांसर हो के और अश्लील मुक्त आपने कहा, ये क्यों? देखिए ज़रूरी नहीं है, जो मतलब आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते होंगे तो आपको मतलब वैसे खराबी बन के रहना होगा, आप अच्छा नहीं बन सकती हो, चाहे अच्छा कुछ कह नहीं सकती हो, ये कोई बात का मतलब नहीं होता है। जैसे कि अश्लील मुक्त गाना मैंने शुरू से कहते हुए आया है, कुछ भी मैं डांस करती हूँ, ठीक है, अश्लील मुक्ति करती हूँ, अगर कहीं कहीं मतलब बेकार जगह में चल गई, जो बहुत खतरनाक जगह है, अगर किसी ने जोर दबस्ती दे दिए तो वो अलग का बात होता है, लेकिन मैं अपने मर्जी से कभी ये सब नहीं करना चाहती। अच्छा, आप पे भी ये गुजरती है जब आप कहीं डांस करने जाती हैं, वो भी स्पेशली बिहार में, तो आप पे पैसा उड़ता और कोई मतलब बैड टच होता है, गंदे नज़रों से देखना? और कभी नहीं, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि मेरा तरीका गलत ही नहीं है मतलब डांस करने का, जो हाँ अगर डांस करते करते मैं खुद से अगर पब्लिक से पहले बुरा ना लगे, आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं? ना, बॉयफ्रेंड नहीं है, एक ऑर्केस्ट्रा डांसर का होना, वो भी इस लाइन में, अगर बॉयफ्रेंड ना हो। आप जो बार बार जो घुमा के की बात कह रहे हैं ना, जो एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की हो, अश्लील मुक्त बात, एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की हो तो बॉयफ्रेंड नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, भले हम और के देखिए ऑर्केस्ट्रा का हाथ कहीं पे स्टैम्प लगा हुआ है, नहीं ऑर्केस्ट्रा के कहीं पे स्टैम्प लगा हुआ है? नहीं नहीं लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल लोग घर में रहते हैं, तो कोलकाता में भी हम लोग नॉर्मली, जैसे वो जन्मभूमि है तो ये कर्म भूमि है, कोई कोई यहाँ पे गलत तरीके से कमाता है, तो मेरा तरीका भी सही है, सब कुछ है, ये नहीं जो कहीं पे स्टैम्प लगा हुआ है जो आप ऑर्केस्ट्रा का लड़की हो। प्यार मोहब्बत मतलब बेकार होता है, और मैं जिस लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ ना, प्यार मोहब्बत मतलब प्यार का बेरी होता है, तो मुझे वो प्यार का बेड़ी नहीं। यानी आपको लगता है कि प्यार करना गलत है या सही है? गलत भी नहीं कहूँगी, सही भी नहीं कहूँगी, क्योंकि गलत इसीलिए नहीं कहूँगी, जो लोग करते होंगे उनको नहीं गलत लगता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ इसीलिए मुझे गलत लगता है। आपने किसका टैटू बनवाया हाथों पे, किस स्टार का? मेरे हाथ में मंडाला डिजाइन किया हुआ है, किसी स्टार का नहीं किया हुआ है, मुझे ज़रूरी नहीं पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप शादी कब कर रही हैं? अभी शादी अभी 20-30 साल 20-30 साल के बाद करेंगी जी। अच्छा, अपनी मर्जी से लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा? शादी का जितना भी जिम्मेदार, चाहे झमेला, ये सब घर वाला को होता है, तो मेरा हेडेक है नहीं, तो ये उन्हीं लोग को। शादी का मतलब झमेला जी। अच्छा, एक बार आप बंगाली से, एक बार ऑडियंस को बंगाली में क्या कहना चाहेंगी?
যত দর্শক আপনারা আমাকে দেখছেন আমি গুড়িয়া হালচাল তোমাদের সবাইকে হাত জোড়ে প্রণাম করছি। ইয়ানি আপনার নাম গুড়িয়া হালচাল আপ উনকা ধন্যবাদ দে রহে হ্যাঁ এবার হিন্দি বাতা দিজিয়েগা। जैसे कि मैं गुड़िया हलचल आप सभी दर्शक को मेरे तरफ से प्रणाम करती हूँ। आपको भोजपुरी पे आती है क्योंकि आप बिहार में काम करती हैं, रहने वाले तो कॉल कहता है कि हैं, तो बंगाली तो अच्छे से आती है। ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब कोलकाता में भी बहुत सारा बिहारी फ्रेंड मेरे स्कूल में भी थी और ऐसे एरिया में भी बहुत सारे। कोई डायलॉग वाला बोलती है क्या भोजपुरी में अगर कहना है तो? ना डायलॉग नहीं आता है। डायलॉग नहीं आता है? अच्छा भोजपुरी में अगर कहना चाहें कुछ हमारे ऑडियंस को कि आपको सपोर्ट करे तो क्या कहेंगे? वो तो मतलब थोड़ा सा अटक अटक क्या था। हाँ, थोड़ा हिंदी में ही बोले तो सही जाएगा। चलिए ठीक है, हिंदी में ही बोल दीजिए। सबसे पहले जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं गुड़िया हलचल बड़े या छोटे सबको प्रणाम करती हूँ। और 26/5/2023 को मेरा एक न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है, वो भी गुड़िया हलचल फिल्म्स यूट्यूब अकाउंट पे। और एल्बम सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा एल्बम सॉन्ग है। और मेरे साथ जो एक्टर्स है, विवेक भिखारी सिंगर जी जो स्टेशन से गाना गा के वायरल हुए थे, वो कोई पहचान का मोहताज है नहीं। और ये गाना जब गुड़िया हलचल फिल्म्स में रिलीज़ होगा तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और अगर गाना अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्तों से भी गुजर के जाना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों को, क्या ये बात सही है? सही तो ऑब्वियसली है। अब ये मतलब चॉइस के ऊपर रहता है लोग का, जो आप क्या चॉइस करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी आपको बोला, मुझे अगर ज़रूरी पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने का प्रयास करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करूँगी, लेकिन गलत लाइन पकड़ के चाहिए सब टुच्ची हरकत करके आगे जाने का मुझे कोई तो कहीं ना कहीं